अज का जो प्रोग्राम हैगा यूथ अकाली दल का प्रोग्राम हैगा, क्योंकि जब तक किसी भी पार्टी के यूथ अगर एका नहीं होगा, यूथ च ताकत नहीं होगी, कोई भी पार्टी तरक्की नहीं कर सकती जी। सो मैं देख रहा हाँ जो साडे प्रधान साहब पटवारी साहब ने जितने भी यूथ नूं बुलाया, मैं देख रहा थ्रू हरेक पास से यूथ एक ग्रुप वाइज बन के इत्थे आ रहा। हरेक बंदा दुखी है कि दलित परिवारों के बच्चों का वजीफा कटना बड़ी माड़ी गल है, और दुख इस गल की है कि उन्होंने बेचारों के साल मर रहे हैं, उन्होंने फीसा नहीं दित्तियां जा रही है, और उन्होंने ही पैसा मार के फिर सरकार कहती साढ़े को पैसा नहीं है। पैसा भी आ रहा और इलीगल तरीके मिसयूज भी कर रहे हो, तो जिन्हों का पैसा से उन्होंने पैसा मिल नहीं रहा। तो इस दौरान जो दूजे पास गल्लां तुहाडे सामने मीडिया ने हरेक थान पर इन शराब दी फैक्ट्रियां भी पकड़ियां, सारे कारज पकड़े, मगर अज तक बंदा कोई नहीं पकड़िया। तो समझ नहीं आ रही कि सरकार की करना चाहती, सिर्फ दिखावा करती है जी असीं आह कीता सिट बिठाई अपने बंदे बैठदे हन, कोई गल नहीं। जो हुण भी इन्हां नूं बिठाता तो कहता जी सिर्फ मिनी महाजन जी इनकुआरी करनगे, वो जिहड़ी तुहाडे अंडर उन्हें क्या इनकुआरी करनी। जब तक कोई बाहर की सिट नहीं आएगी, सीबीआई नहीं आएगी, उस तो जांच होगी तो पता चलेगा कोई 500,000, 2,000, 1,000 करोड़ रुपए का मसला है, 63 करोड़ का मसला है, करोड़ों का मसला जो उसके कुछ होर भी दस रहे हैं जोड़े माहिर बंदे हैं, कुछ होर भी फंड है जरा जो पता ही नहीं कितने फंड है। ये तो जो हूँ सेंटर ने कोई ड्यूटी लाई है, बड़ी अच्छी गल है, सेंटर को ये इनकुआरी करनी चाहिए है। उस तो लोग भुखे मर रहे हैं, लोगों के हालात खराब हैं, कैप्टन साहब अपने फार्म हाउस बैठे हैं, उन्होंने पता नहीं कि पब्लिक आम आदमी का की हाल है। मैरिज पैलेसिस बंद हुए, ढोल वालों का काम बंद है, कुक का काम बंद है, वेटर्स का काम बंद है, दुकानदारों का कारोबार पट्ठा बैठा है, हरेक पार्टी दुखी है, हरेक बंदा दुखी है। तो इन्हें जेडे मंत्री हैं लुट्टा खसुट्टा के बड़े मजे नाल, हुण तुसीं देखो रात में लॉकडाउन की क्या जरूरत है, खाली इसलिए इन्हों के इलीगल काम जन्ने सारे रातों रात हो जाए तो कोई देखे। सो मैं अज का जोड़ा यूथ अकाली दल का इकट्ठ हो रहा, मैं बड़ा खुश हाँ कि यूथ अकाली दल ने इन्ना इकट्ठ करके सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है कि इस मंत्री बर्खास्त किया जाना चाहिए और उस केस चलना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। बर्खास्त करन दे बजाए उन्हें बनती सज़ा देने दे, जबकि रिपोर्टा भी वो खिलाफ आ गई, उन्होंने फिर कैबिनेट के बिठाया वा राखा बनया होया। एक कैप्टन तो साधु दोनों ही चोर आ। अज यह श्रोमणी अकाली दल वालों, यूथ अकाली दल वालों एक साझा धरना दिता गया है और एक संकेतक धरना। असीं पंजाब सरकार नूं बेनती भी करते और चेतावनी भी दिंदे आ कि अगर धर्मसोत नूं जल्दी जल्दी कैबिनेट दे विचों बर्खास्त करके उन्हूं बनती सज़ा ना दिती गई ते एससी बीसी विद्यार्थियों के वजीफे बहाल ना किए गए, तो अज तां इह एक छोटा जिहा संकेतक धरना, इहतों बाद इह रोस होर भी तेज़ होगा। डीसी दफ्तरां दा पंजाब पद्धर ते घराओ भी किया जाऊगा और नाल ही सड़कां जाम कीतियां जाणगियां, जिहदी टोटली जिम्मेदारी जिहड़ी हैगी उह पंजाब सरकार दी होवेगी। इस करके असीं पंजाब सरकार नूं बेनती करदे आ कि इस डाकू नूं बर्खास्त करके जेल दे विच डक्या जावे। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬੰਦ ਸਭ ਦੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ वो कहते मैं यूथ के हकों की गल करता, कितने यूथ का हक क्या। सो मैं एक एक पिंड जाके बार बार कहना, एक एक पिंड जाके एक एक शहर के जाके रोपड़ जिले के एस आई वालों लहर छेड़ी जाऊगी, वड्डे संघर्ष की तैयारी की जाऊगी। तो जे हो सकिया असी जे नहीं इस्तीफा दवाते तो बरिंदर सिंह ढिल्लों के घर से अभी घराओ भी करा।